सक्सेसफुल दिखाया जा रहा है, तो इसी का कुछ बिना अनुमान करने के इसी का मतलब इसी चीज़ के बारे में जानने के लिए स्टूडेंट लोग आप हमारे स्कूल के वहाँ आगे जानने वाले स्कूल के दोनों प्रकार के स्कूल में मिलकर ना एक छोटा सा रैली निकाल रहे हैं, मतलब कि पब्लिक के थ्रू रैली निकालेंगे या क्या करेंगे इसी के बारे में ज़रा देखने जा रहे हैं क्या होता नहीं होता ज़रा पता करते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले गया था बट वहाँ पे मेरा फ्रेंड्स और वो लोग मिलकर काफ़ी अच्छा खासा सिचुएशन क्रिएट कर चुके थे, मतलब कि अच्छा खासा स्टूडेंट्स सब आए थे, अच्छा खासा क्राउड हुआ था, मतलब आज अच्छा खासा फुल्ली प्रदर्शन करने मतलब करेंगे आज आज मेरा हेलमेट भी ढीला है, मुझे दूसरा हेलमेट लगाने चाहिए था यार, सॉरी बहुत हेलमेट बहुत ढीला है। पता नहीं वो लोग कहाँ पे रैली निकाल के बैठे होंगे, ये मैंने बाइक फालतू में लगा ली, मतलब ये हेलमेट मैंने बहुत बकवास आ रही है, हेलमेट बार बार नीचे गिर रहा है मुझे दिख भी नहीं रहा यार, पहले हम चलते हैं तरासन मैदान में, वहाँ पे शायद वो लोग इकट्ठा हुए होंगे, अभी पता नहीं रैली भी निकल सकते अभी तक निकल गए होंगे शायद अभी तक, फिर भी एक बार जाके ट्राई करते कहाँ पे हैं देखते हैं जरा देखो वीडियो प्ले हुआ है कि नहीं। देना तेरा ये ले, अब हेलमेट को थोड़ा ऐसे करके पकड़ दो पीछे से हाँ ऐसे पीछे से अच्छा। अबे बोको ढूंढना पीछे से पकड़ वे, अबे टान मत थोड़ा ऐसे उठा के हाँ ऐसे पकड़ ठीक है हाँ हल्का सा नीचे कर, बहुत ऊपर हो गया ऊपर का दिख रहा है नीचे हाँ थोड़ा नीचे और अरे भूतनी के मेरे यार ये हेलमेट बहुत ही बेकार हेलमेट यार ढीला हो गया हेलमेट चेंज करना है क्या तो तू छोड़ दे मैं कर लूँगा मैनेज, मैं काहे छोड़ दिया यार कुछ ज़्यादा हैवी लोड हो गया यार ये हेलमेट बहुत ढीला है। तरासन मैदान में तो कोई था नहीं तो अब जाना पड़ेगा स्कूल के बाद देखते हैं कहाँ पर गए वो लोग। That's a nice Christmas party.
रैली का हमें लग गया क्या दिख रहा किसे कॉल कर रहे हैं फारूक को आज रैली निकल रहा है ना 12th क्लास का और हम लोग का भी फॉर्म नहीं मिल रहा है। हाँ जो समस्या बता दीजिए शिक्षा मंत्रालय के पास पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल कितना 71 इतना अच्छा है बोल रहे बेकार है ला ये भाई 12th क्लास का नहीं स्टूडेंट है 12th क्लास के स्टूडेंट हो ना आप नहीं 12th क्लास के स्टूडेंट्स है क्या इधर नहीं है भाई इधर कहाँ गए फिर यार पकड़ पकड़ जरा पकड़ चल चलो गाइस अब से बाल का स्कूल क्या होता है देखिए ना स्टूडेंट सब है क्या भाई होगा तो निकल रहा है निकलने में तो दिख रहा है चलो मिल गए स्टूडेंट जाते हैं अब क्या होता है देखते हैं भाई हेलो तो बोल दो चलते हैं देखते हैं क्या क्या होता है भैया रियली निकला है भैया मैं भी और भैया क्या हो रहा आगे जा रहा है हम लोगों को तो ऑफिस बंद है यार हमें तो ठीक ठाक है पूरा स्कूल बंद हो गया बना रहे हैं सब हो रहे हैं ऐसा फेल होगा तो जिंदगी
हमारा यहाँ पे ऑल से एक्सेप्शन होता है, ऐसा भी होता है कभी कभी रिजल्ट मिलने के बाद नहीं की रहते हैं, बहुत हड़बड़ी हुआ आपका तो नहीं होगा क्योंकि हम लोग स्कूल से भी मतलब हम लोग का स्कूल में एक ही बार रिजल्ट नहीं आया। मेरा बात सुनो, स्कूल में जब रिजल्ट निकला ना स्कूल में भी टोटल स्टूडेंट का नहीं दिखला, उसमें टोटल रेस बुकर का दिखा, तुम्हारा रोल नंबर लगाएगा फिर इसका रोल नंबर लगाएगा तब दिखला है। वैसे हम लोग 500-600 देखे, रेड सर भी देखे, तो 500 जन ठीक ही हो सबका तो देखना पॉसिबल नहीं है। अच्छा इसमें ऐसा कुछ दिखा दिया, अब आज मैं बहुत पर टेंशन से खाना पीना बंद कर, अब मेरा आवाज खराब हो गया, गला भी फट गया, गला फट गया मेरा। हां हेलो, अच्छा चलो चलो देखते हैं, चलो खाने को मेरा बेटा पेट दे रहा है, चलो और घर में अभी तो लगता है शायद मिर्च मसाला शुरू है क्या। ए भाई रोड में चलना यार, हेलो तो भाई यहाँ पे अच्छा खासा, अब क्या बोले, अब स्कूल ही बंद है तो फिर क्या किया जा सकता है, अब नई क्लास टीचर सब है, अदरवाइज क्या होगा यार। क्या ही कर सकते हैं, भाई मीडिया वाला आ रहा है, भाई आ रहा है, आ रहा है वो है क्या ब्लैक वो है, तो भाई अब हमारे इस चीज़ को कवर करने के लिए मीडिया वाले शायद कोई भैया आए, कौन है जर्नलिस्ट है क्या, आ रहे आ रहे, चलिए अब वो शुरू करेंगे। भाई तुम रोड जान पड़ेगा ना, आदमी रहेगा तो मीडिया खुद का जाएगा हाईवे में वहाँ पे इस तरफ कर देगा, वो भैया है क्या, इसको अभी यहाँ पे मत पूछ करने तो आप अभी न्यूज़ में देख ही रहे हैं सबका, ठीक है। इससे पहले ये आदमी सब 12 का एग्जाम दिया था ना, बहुत बार दिया, उन लोग का किसी का भी जाए एक तो फेल दिखाता था कंपास दिखाता, इसमें पूरा 90% आदमी का सक्सेसफुल दिखा रहा है। दूसरा बात ये भी, हम स्कूल सबका अपना अपना स्कूल लोग एग्जाम सब अच्छा से भी दिया, यहाँ पेपर भी गलती चेक हुआ सब अच्छा से दिया है, अब हम लोग को रिजल्ट में कुछ पता है अनसक्सेसफुल, मतलब सबका सक्सेसफुल 90% पूरा बंगाल दिखा रहा है। दूसरी बात ये 11-12 हम लोग इसके बाद भी हम लोग ऑफलाइन बोला था ऑनलाइन एग्जाम होगा और हुआ ऑफलाइन, ऑफलाइन होने के बाद हम लोग का स्कूल में कोई नहीं, सब लोग साथ लोग टेंशन में, सब लोग क्या बोले बच्चे लोग टेंशन, बस पेपर क्लियर मत छोड़ना, जो समझ में आया जिनको जो नहीं आया उसको क्वेश्चन करने की कोशिश करना, गलती हो जाएगी हम लोग ने सबका सपोर्ट नहीं मिलेगा, और आप लोग तो पढ़े भी पढ़ाई हुआ नहीं है 2 साल से लॉकडाउन का, हम लोग चलो उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम दिए है ना, अगले साल आप देखे थे बिना एग्जाम का सबको पास कर दिया गया था ना, और हम लोग सर लाइन साफी क्यों हुआ, आप सोचने वाली बात है ना, वो लोग तो 11 किया था, उन लोग का 11 हुआ 12 नहीं हुआ, हम लोग का ना 11 हुआ या 12 हुआ, 10 के बाद हम लोग स्कूल रह गए, तो उसके हिसाब से हम लोग सर न्याय हो रहा है, न्याय हो रहा है बताए, हम लोग उसके लिए जवाब चाहिए ना पास करने के लिए, हम लोग मेन मेरा मुद्दा पास नहीं, हम लोग का जो ऐसा बात हुआ रिजल्ट पहले कितना 2 महीना में आता था, 2 या 3 महीना में, अभी 1 महीना में कैसे रिजल्ट आया, कोई क्या आप हम लोग इंसाफ के साथ हम लोग को रूल्स फॉलो करते हुए हम लोग करना है, आप लोग बता अभी क्या करना है, हम लोग तो धरना देते कुछ स्कूल में या फिर कोई भाई रोड में, रोड में जवाब देना होगा।
शिक्षा विभाग जाम दो, शिक्षा विभाग जाम दो, वी वन जस्टिस, वी वन जस्टिस, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, शिक्षा विभाग जाम दो, शिक्षा विभाग जाम दो, वी वन जस्टिस, वी वन जस्टिस, वी वन जस्टिस, निकालना पड़ेगा जींस को, निकलते पहले जींस को। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी कराओ। बैठ जाओ भाई। क्या बैठो? हाँ बैठो। यार हेलमेट बहुत बेकार है, वो तो बेकार हेलमेट है यार, मैंने पहनूंगा अभी बॉक्स से, बहुत दिमाग खराब हो रहा है। अरे वो शायद यहाँ से मैं भी सीधे के सीधे हाँ आज पूरा अच्छे से टेंट मिल गया मुझे, मतलब भाई सॉरी मतलब कवर करने के चीज मिल गया यार। आगे से करते हैं।
कैसा मैं तो बैठा कर मेरे बाइक पे, जब भी मैं बाइक करता हूँ तो ऐसे क्यों बैठता है नॉर्मल। पढ़ाई ना कुछ हुआ, दो साल में दूसरी बार दूसरा सर ने आ गया। उसके बाद
ऑनलाइन एग्जाम होगा बोला क्या बोला ऑनलाइन एग्जाम चलो कोई नहीं पढ़ाई माने स्कूल दो साल बंद था हम लोग भी स्टूडेंट का एग्जाम ऑफलाइन लिया हम लोग भी स्टूडेंट थे जो 12 पास किया वो भी स्टूडेंट था न्याय होना चाहिए सबके लिए अब हम लोग अपने स्कूल में एग्जाम दिए सब सर सर थे अच्छे से दिए यहाँ तक पेपर सर बोले कि पेपर फाड़ दो मतलब छोड़ो मत क्या बोले एक क्वेश्चन ही मत छोड़ो पेपर में इनको तो आता है हम लोगों का एग्जाम अच्छा गया था हम लोग इसलिए तो आए हैं हम लोगों का एग्जाम ही अच्छा नहीं जाता तो हम लोग नहीं आते ना कौन है ये मां नहीं जी नहीं कार में कार ऐसा नहीं वो लोग स्टूडेंट था वो लोग पास हो गया हम लोग क्या है फिर हम लोग भी तो भाई स्टूडेंट है ना हम लोग का भी लाइफ है हम लोग का भी फ्यूचर है हम लोग को भी आगे जाना है लाइफ में बहुत कुछ करना है तो उसके लिए हम लोग को न्याय चाहिए न्याय देगा तो शिक्षा विभाग से हम लोग को जवाब चाहिए अब वो आप लोग बताएं सब स्टूडेंट वी नीड जस्टिस वी नीड जस्टिस वी नीड जस्टिस वी नीड जस्टिस जवाब चाहिए जवाब चाहिए जवाब चाहिए जवाब चाहिए जवाब चाहिए वी नीड जस्टिस वी नीड जस्टिस हमारी मांगे पूरी कराओ हमारी मांगे पूरी कराओ हमारी मांगे।
हक के लिए लड़ दे, डरता कोई नहीं, डरपोक को दूसरी बात ये है कि 90% आदमी का अनसक्सेसफुल दिखा रहा है, सब देख रहे, पूरा वेस्ट बंगाल में हुआ, ये हमारा स्कूल का बात नहीं, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, हर जगह आदमी धरना में बैठे, क्यों बैठ रहे, इससे पहले भी एग्जाम होता था ना, ट्वेल्थ एग्जाम भी देता था, आदमी फेल भी होता था, कंपार्ट भी होता था, वहाँ दिखाता था, लेकिन इस साल ऐसा क्या हुआ जो सबको अनसक्सेसफुल दिखा रहा है, पहला। दूसरी बात यह है कि हम लोग अपने स्कूल में एग्जाम दिए और हम लोग को भरोसा कि अच्छा तरह से एग्जाम दिए थे ना, इतना स्टूडेंट उसके बाद भी फेल कैसे होगा, एक स्टूडेंट एक स्कूल से नहीं भी तुमने 100-150 से ज़्यादा, अभी इतना कम है, उसके बाद भी बहुत स्टूडेंट होंगे जो वो हुआ है उसके बाद। दूसरी बात यह कि 11th 12th हमारा पढ़ाई नहीं हुआ, सब जानते कि लॉकडाउन था ना, 11 हुआ ना 12, एक दिन भी हमारा स्कूल में क्लास तो नहीं हुआ, क्लास नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो घर में स्कूल में आदमी आता तो थोड़ा जो जानता, टीचर्स क्या है 5-6 क्लास होगा तो वो टीचर समझाएंगे, घर में भी पढ़ेंगे, ट्यूशन ही पढ़ेंगे, 2 साल आदमी क्या क्या, तो आदमी 2 साल क्या किया, सब सोचता था एग्जाम होगा ऑनलाइन, ऑनलाइन होगा ना, टीचर बोलते ऑनलाइन होगा, अचानक ऑफलाइन हो गया, हम लोग उससे भी प्रॉब्लम, ऑफलाइन हुआ चलो ठीक है, अपना स्कूल में हो रहा था, जो हम लोग पढ़े उसके हिसाब से दिखेंगे, लिखने के बाद भी दैट अनसक्सेसफुल दिखा रहा है, बहुत टीचर कहना है कि हो सकता है रिजल्ट में प्रॉब्लम हो आगे 20 तारीख को, मतलब कि रिजल्ट चेंज हो जाए, तो ऐसा तो नहीं, हम लोग फेल दिखा दी, हम लोग को टेंशन होगा ना भाई, स्टूडेंट है हम लोग ना, टेंशन होगा कि भाई फ्यूचर का सवाल, कौन बोला है चेंज होगा, चेंज मतलब क्यों, गलती भी हो सकता है, सर्वर एरर भी हो सकता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा, एक बात में सर सब बोले थे ऐसा, सुनने में बहुत जगह से ऐसा बात आया है, तो हम लोग बोले चलो कोई नहीं ऐसा होगा, लेकिन इतना 20 दिन हुआ है ना। और दूसरी बात ये है कि पहले रिजल्ट आने में 2-3 महीना लगता था, लगता था ना, अभी 44-40 दिन में रिजल्ट आएगा, और उसमें भी हम लोग का ना पढ़ाई हुआ ना कुछ हुआ, सब जानते हैं पास हुआ है स्टूडेंट, अच्छी बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई पास हुआ, लेकिन टीचर सबको समझना पड़ेगा ना, हम लोग का तो एग्जाम हुआ, पढ़ाई 2 साल से क्या हुआ तक देखता, ऐसा में जो हम लोग पढ़े थे वो भी आदमी भूल जाएगा, सबको पता है अगर पढ़ाई होता तो रेगुलर चलता रहेगा तो क्या हम लोग का दिमाग में रहेगा, हाँ भाई ये पढ़ना है। और 12th का ऐसा है कि जो 11th में हम पढ़े हुए हैं ना, 11th में हम पढ़े तो 11th 12th का थोड़ा मिला भी आता है, पढ़े रहेगा तो 11th 12th में पढ़ना आसान हो जाएगा हम लोग का, लेकिन हम लोग 11th क्लास किए नहीं, 12th में स्कूल हुआ नहीं, तो हम लोग कौन हिसाब से एग्जाम देते, फिर भी एग्जाम दिए हम लोग, उसके लिए भी ऑफलाइन दिए हम लोग एग्जाम, अच्छे से दिए, अपना स्कूल अपना ठीक है, अपना हर एक चीज़ यहाँ का था, हम लोग बोले चलो कोई नहीं, उसके बाद अनसक्सेसफुल, इससे पहले भी अनसक्सेसफुल किसी का नहीं आता, स्कूल में एग्जाम देने से क्या फैसिलिटी मिला कुछ, फैसिलिटी नहीं, अपना स्कूल में ये हुआ कि एक तो होता है ना बाहर जाके तो उसका प्रॉब्लम, स्कूल में क्या हुआ कि हम लोग अपने से दिख रहे तो सर लोग को हम लोग जानते हैं है ना, सब सर को, दूसरा जगह में कौन टीचर कैसा है हम लोग तो वो नहीं जानते हैं ना, अपना हिसाब से हम लोग जो भी लेंगे बहुत अच्छे लेंगे, इतना हम लोग कॉन्फिडेंस है कि एग्जाम में पास होना है, 100% हम लोग घर में ही बोले कि 100% हम लोग पास है। आपको कितना जन है जो फेल हो गए या अनसक्सेसफुल हो, इतना एक ही स्कूल का है या आप लोग, कौन कौन स्कूल है आज, कौन कौन से, वो तो पता, वही तो नहीं पता, अनसक्सेसफुल मतलब क्या, देखिए आंसर कोई किसी का कहना अनसक्सेसफुल मतलब ये कि हो सकता है कि वो कंपार्ट हो, तो हम बोले कि कंपार्ट जरूरी नहीं कि पूरा 90% पूरा बंगाल कंपार्ट ही हुआ है, नहीं ऐसा भी तो नहीं है ना, कोई फेल भी हुआ होगा, कोई 3 सब्जेक्ट ज़्यादा में हो गया होगा, एक सब्जेक्ट में कंपार्ट, आदमी को तसल्ली के कम से कम उसमें अगर देखा जाता है कि तुम इसमें कंपार्ट हो गया, तो हम लोग हो सकता है उसको क्या PPS होता है ना, PPR उसको हम लोग भेज सकते थे रिजल्ट के बाद, लेकिन हम लोग को कुछ कन्फर्म हो ही नहीं रहा। अभी आप लोग क्या चाहते हैं, अभी हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग इसका जवाब चाहिए कि ऐसा क्यों इतना जल्दी रिजल्ट आया, उसके बाद अभी इतना टाइम 20 तारीख को रिजल्ट आएगा, पहले तो क्या रिजल्ट एग्जाम होता था, रिजल्ट मिल गया उसके बाद रिजल्ट दे दिया जाता था ना, अभी तो 10 दिन, अभी आप लोग को डिमांड क्या पास करना होगा, ऐसा डिमांड रखो, पहले इसका जवाब चाहिए हमको, मेन मेरा जवाब है हमको पास, देखे पास क्या है, हम लोग जीतते या सीखते हैं है ना, हम लोग इसमें अगर ऐसा हुआ हमको इससे प्रॉब्लम नहीं है, एक साल हम लोग देंगे है ना, अगले साल भी देंगे, कोई टेंशन नहीं है, उसके लिए अच्छे से मेहनत करके उससे अच्छा से एग्जाम देंगे, लेकिन क्या है कि इसका जवाब चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, हम लोग सर ने अगले साल जो स्टूडेंट दिया था वो लोग बिना एग्जाम का कॉलेज कर रहा है, पास हुआ ना वो लोग भी तो बिना एग्जाम का पास हो गया, 10th का अगले साल बिना एग्जाम का 60-70% लाया, जो लिखने नहीं आता वो 70%, पूछो कितना परसेंट, 70% वैल्यू हो गया ना 70%, सरकार का उसको स्टाम मिल गया कि 70% का डिग्री है, हाँ वो भी स्टूडेंट, हम लोग का भी लाइफ, हम लोग का भी फ्यूचर, तो सबको आप लोग को भी आप लोग को भी पास कराना होगा, ये डिमांड है, पास कराना होगा, पहले रिजल्ट देखिए, रिजल्ट में हो सकता है चेंज हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो इसको कल लोग हो या काउंसिल हो या शिक्षा विभाग जो भी हो है ना, शिक्षा मंत्री जो, इनको सोचना पड़ेगा इसके बाद में, हर जगह प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। और एक चीज़, 12th का रिजल्ट पहले भी आता था ना,
तो उसमें क्या होता था कि फेल का फेल दिखाया कम्पार्ट कम्पार्ट, लेकिन इस साल देखने वाली बात है हर जगह प्रदर्शन क्यों हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गंडगोल होगा जो हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। हर जगह प्रदर्शन का मतलब क्या है, हम लोग भी क्यों निकले, हम लोगों को शौक नहीं कि यहाँ रोड में निकल जाए, हम लोग का भी इज्जत है, हम लोग का भी ये हो रहा है कि भाई फेल हो के हम लोग रोड पे निकल गए, लेकिन फेल हुए आदमी ये नहीं सोचेगा कि भाई फेल हुआ, देख रहे शर्म नहीं फेल हुआ निकल गया, ये सोच रहा है आदमी, है ना। लेकिन उसको हम लोग कहना हम लोग फेल क्यों हुए, आप लोग उसको सोचो ना, इतना आदमी फेल कैसे होगा, 90% आदमी तो फेल दिखा रहा है, जिसका देखो अनसक्सेसफुल अनसक्सेसफुल प्रदर्शन, आदमी रोड पे उतर रहा है, दंगा कर दे रहा है, क्यों कर रहा है, उसका लाइफ का सवाल है, टाइम बहुत कीमती, हम लोग अगर सब मिल के नहीं चलेंगे तो अभी नहीं होगा, आप लोग सबको पता है, इसलिए गुजारिश है कि आप लोग इसके बारे में सोचें और हमें न्याय चाहिए, वी नीड जस्टिस, वी नीड जस्टिस, वी नीड जस्टिस, अभी यहाँ से आप लोग बोर्ड्स करते हो कहाँ जाएंगे, अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे आपका हाईवे में नहीं, यहाँ पे पॉकेट रोड है ना, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ तक रैली जाएंगे, अभी हम लोग रैली करके हो सकता है तो वहाँ पे हम लोग 10 या 15 मिनट वहाँ पे। अभी आप लोग स्कूल में आए थे, अभी एवियन स्कूल में है आप लोग, एवियन स्कूल में टीचर लोग सब लोग का बात हुआ, टीचर से तो बात नहीं हुआ ना टीचर से, आज इस रैली में कौन स्कूल का है, कितना स्टूडेंट, दो स्कूल का स्टूडेंट चला गया, वो जो 4-5 नहीं बचा, कितना स्टूडेंट है इससे जो फेल किया, दोनों मिलके जितना लोग फेल किया है 150 से भी ज्यादा है, 200 जिसका ग्रुप में हम लोग अभी एक हुए थे उसमें तो 150-200 पार हो जाता है, उसमें वो तो आ नहीं पाए, पानी उनी की वजह से आ नहीं पाया, लेकिन उतना आदमी खाली ग्रुप में एबीएम का तो ज्यादा ही दिख रहा है, उसमें बालका का कुछ कुछ है, लेकिन बालका बहुत एड नहीं हो पाया। मेरा नाम फारूक बाईचांस री एग्जाम का आप लोग क्यों डिमांड नहीं कर रहे, री एग्जाम क्यों, हम लोग को न्याय चाहिए, री एग्जाम क्या मतलब, री एग्जाम क्या, री एग्जाम सबके लिए तो अगले साल जो दिया था उसको भी बोलिए री एग्जाम के लिए, वो लोग भी तो इंसाफ, हमें ही कहना है हम फेल हो गए, सबको फेल करता इंसाफ, चलो हम ठीक है जो पढ़ा अच्छा चलो मान ले पास हो गया, जो अच्छा नंबर मिला जो देखा गया कि 476-450 ऐसे नंबर मिला जो लिख के दिया, तो उस विषय में क्या बोले, उस विषय में बहुत अच्छी बात है वो लोग लाया, लेकिन हम लोग को भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि हम लोग लाएंगे, लाएंगे ही लाएंगे ना, फेल होने का चांस नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ है, अनसक्सेसफुल बस एक ही मतलब है अनसक्सेसफुल, इससे पहले क्यों नहीं अनसक्सेसफुल दिखा रहा, अभी अनसक्सेसफुल क्यों दिखा रहा है, कि मशीन गड़बड़ा गया है या कुछ ऐसा हो गया, हम लोग को भी जानना चाहिए ना, हम लोग का हक है, हक हम लोग को चाहिए, उसके लिए हम लोग को बोलना पड़ेगा, बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे, है ना, आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना हम लोग को, अभी आप लोग बाजार में जाएंगे, बस चले आप लोग साथ साथ चले, आप लोग का सपोर्ट चाहिए हम लोग को, अब हम देख सकते हैं एक सर भी बाहर नहीं आया है देखने के लिए, बल्कि अभी अभी शायद हेडमास्टर अंदर गए, बट हेडमास्टर पूछे तक नहीं वो क्या रहा है कर क्या रहा है, हद है यार, भले ही फेल हो गया, इन लोग की डिमांड एक ही चीज़ है, बस एक ही चीज़ चाहते हैं, फिर भी सर का इतना तो पर्स बनना चाहिए था कि बाहर आए ज़रा पूछ लें, बट नथिंग इट्स नॉट फेयर यार, भाई ये अब हो गया एंडिंग टाइम आ गया, तो अब अफरोजी डिमांड पूरा हुआ नहीं हुआ है, अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग, अभी हम लोग को कुछ लोग बुलाए वहाँ पे, वही भैया लोग के पास जा रहे हैं, वीडियो बनाना बंद करेगा पूरा लग चुका है ना, वाटर प्रूफ नहीं है ना, ए फारूक मैं निकल रहा हूँ ठीक है, मैं अब निकलूँ, ठीक ठीक थैंक यू भाई, भाई डिमांड पूरा हुआ, एक रिजेक्ट हो गया यार, भाई डिमांड पूरा हुआ कि नहीं, डिमांड बहुत अच्छा लगा, सेको ये अगर ये क्या बोलते हैं पीपीआर होता है ना, फॉर्म अगर ऑनलाइन अप्लाई करने से चांसेस है पास होने के, क्योंकि सब में नंबर ठीक आया, एक सब्जेक्ट में
31 तीन ओ 31 32 है, दो तीन नंबर के लिए फेल कर दिया। तीन नंबर आप बताया। इसी के लिए अफसोस है थोड़ा, इतना अच्छा लिखे रिजल्ट आने के बाद में अगर आदमी होगा कितना खराब होगा। हाँ समझ सकते हैं, समझ अनसक्सेसफुल से हमको काफ़ी अभी अच्छा फील हो रहा है कि हम एक सब्जेक्ट में फेल है, वो भी रिचेक भेजेगा तो पास हो ही जाएगा इंशाल्लाह। कन्फर्म लिख के ले ले भाई, पूरा भींग गया। अरे दो मिनट आप लोग उससे थोड़ा रिक्वेस्ट किया, उसके बाद रिजल्ट दिया, बोलना हमें बोलेगा, तुम भी बोले। मैं निकला भाई, मोबाइल निकल रहे वहाँ से। अबे चल जल्दी चल। तो भाई आज का हो गया कंप्लीट, अब हम लोग घर निकलने के बारे में स्टार्ट हो गया। हमारे पास बचने के लिए कुछ नहीं है, फ़ोन भी भीगेगा यार। मोबाइल कर टपाटप हुआ ना, तो देख तेरे को क्या करूँगा मैं। कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले। अपना सर पीछे हटा यार, बार बार तेरे सर में मेरा हेलमेट लग रहा है। तू मेरे घर से कैसे भेजेगा? फिर मैं अपने घर पे जाऊंगा। अबे भीग जाएगा तू। नहीं तब तो खाता ले लेना।